पूरा बैंड बजा दिया तेजस्वी यादव जी ने अकेले जेडीयू बीजेपी एनडीए वालों का। तब ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, अरे 10 करोड़ रुपया जेडीयू के कार्यालय में सादा लिफाफा में किसने रखा पहले इसका ना जवाब दीजिए। अब जिसके साथ जाते हैं तो फिर कहते हैं इसी कारण से, दो दो बार आ गए अब फिर तड़प रहे हैं। पूर्णिया कहाँ चले गए आप एक सीट पर? ये लड़ाई जो अपना हमारा उम्मीदवार है वहाँ वो जीत रही हैं, कहीं कोई मुकाबले में है नहीं। वो बयान में तो बेकार का, उसको गलत अर्थों में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा जो इंडिया गठबंधन को नहीं दे रहा, इसका मतलब समझा जाए कि वो एनडीए को दे रहा। दो धाराओं के बीच लड़ाई है तो इसमें इधर उधर की बात निकालने से क्या फायदा है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के नाम एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने 2005 से पहले की सरकार का जिक्र किए हैं और एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र लिखा है? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पत्र के अलावा और क्या लिख सकते हैं? जनता का खत जो है तेजस्वी यादव जी के नाम है कि बेरोजगारी से आज़ादी, भुखमरी गरीबी से आज़ादी, महंगाई से आज़ादी, ये तेजस्वी यादव जी के 24 जनवचन हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब पत्र लिख रहे हैं तो उनको बताना चाहिए 17 वर्षों में क्या हुआ। वो पत्र में लोग खोज रहे हैं कि 17 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कितने बार आप इसके साथ उसके साथ गए, सरकार बनाए, ये भी लिखना होगा ना। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आप लोग पे आरोप लगाए हैं कि शराब कंपनियों से आप लोगों ने करोड़ों का चंदा लिया है। नहीं, अब तो देखिए पूरा बैंड बजा दिया तेजस्वी यादव जी ने अकेले जेडीयू बीजेपी एनडीए वालों का। तब ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, अरे 10 करोड़ रुपया जेडीयू के कार्यालय में सादा लिफाफा में किसने रखा पहले इसका ना जवाब दीजिए। और यही घोटाले में शामिल होने के कारण तो जेडीयू डर से फिर चली गई बीजेपी के साथ, यही डर दिखाया बीजेपी ने। बीजेपी ने अपना फायदा तो लिया ही, अपने सहयोगियों को भी लाभ पहुंचाया। कह रहे इसी कारण से आप लोग से अलग भी हुए हैं। हम लोगों से फिर आए थे काहे के लिए? जब जिसके साथ जाते हैं तो फिर कहते हैं इसी कारण से, दो दो बार आ गए अब फिर तड़प रहे हैं। देखिए ये सबसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो असली लड़ाई है वो लड़ाई है कि तेजस्वी यादव जी ने अकेले पूरे बिहार में बीजेपी वालों का हवा खराब कर दिया। अब देश में ये हवा चल रही है। जेपी नड्डा बिहार आए और उन्होंने कहा है कि जिस कांग्रेस से मुक्ति पाने के लिए लालू यादव ने अपनी बेटी के नाम मीसा भारती रखे और आज उसी की गोद में जाके बैठ गए। आदरणीय नड्डा जी को पता होना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति ज़्यादा खतरनाक है और इस देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो संकल्प लिया है जनता ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, वो संकल्प पूरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिला था तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये लोकतंत्र, संविधान और ख़त्म कर देंगे, देश को तोड़ देंगे, देश की संपत्ति को बेच देंगे, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा कराएंगे। तो ये पहले देश को बचाना है, ये लड़ाई है, इधर उधर नहीं जाना है। द्वितीय चरण का जो है परसों मतदान होना है, क्या नहीं? द्वितीय चरण में तो पूरी तरह से कहीं कोई एनडीए के पक्ष में नई हवा दिख रही है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चारों पांचों सीटों पर पूरी मजबूती से जनता उनको जिताने के लिए तैयार है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव रैली में, ये पूर्णिया कहाँ चले गए आप एक सीट पर? ये लड़ाई जो अपना हमारा उम्मीदवार है वहाँ वो जीत रही हैं, कहीं कोई मुकाबले में है नहीं। तो इधर उधर तेजस्वी यादव जी तो अपने उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में सब जगह जा रहे हैं अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, ये तो जरूरी है। एक बयान का भी काफी आवाज, वो बयान में तो बेकार का, उसको गलत अर्थों में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा जो इंडिया गठबंधन को नहीं दे रहा, इसका मतलब समझा जाए कि वो एनडीए को दे रहा। दो धाराओं के बीच लड़ाई है तो इसमें इधर उधर की बात निकालने से क्या फायदा है। मतलब सीमांचल में पूरी पांचों सीट पर क्लीन स्वीप है इंडिया गठबंधन का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी कि पांचों सीट पे क्लीन स्वीप है, सीमांचल में दूसरी चरण की मतदान होने हैं, ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर इतना ही और तमाम खबरों देते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।